55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदा बाबू कॉम्प्लेक्स, दमोह। बाजार से कम कीमत पर गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा एंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। 3 फरवरी की रात दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोतवाली थाना में कुछ समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा जमकर हंगामा करने का मामला सामने आया था, जिसमें अलग अलग बातें करने व अन्य मामले को लेकर पुलिस के द्वारा 30 से 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं पुलिस के द्वारा 2 और आरोपियों, जिसमें एक डॉक्टर ताहिर है और वहीं एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जिसको लेकर कोतवाली थाना प्रभारी के द्वारा विस्तार से जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा गया, यह भी हम आपको सुनाते हैं। इसी माह 3 फरवरी को की रात की बात है, रात लगभग 10 बजे के आसपास की बात है। दो पक्षों के बीच एक सामान्य से लड़ाई हुई थी, उसी लड़ाई को लेकर एक समुदाय विशेष के लोग थाने पर एकत्रित हुए थे, जिसमें उक्त भीड़ के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी संबंधित मांग रखी गई थी। इसी बीच कुछ लोगों के द्वारा, लगभग 30-40 लोगों के द्वारा अनर्गल नारेबाजी, अनर्गल मांगे और आपत्तिजनक बयानबाजी की गई थी, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की पूर्ण संभावना थी। इसी संबंध में लगभग 30-40 उन आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध अंतर्गत धारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, बलवा संबंधी धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त विवेचना के बाद, अपराध पंजीबद्ध होने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ का प्रयास जारी है। इस संबंध में अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, जिसमें एक मुख्य आरोपी भी था। इसी क्रम में 2 अन्य आरोपी जो चिन्हित हुए थे, डॉक्टर ताहिर जो कि बजरिया वार्ड नंबर 2 दमोह के रहने वाले हैं, जिन्हें कल गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है, और एक अन्य आरोपी अमित चिश्ती निवासी पुराना बाजार नंबर 2 के रहने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपियों जिन्हें चिन्हित किया गया है, उनकी तलाश पतारसी की जा रही है, लेकिन वो अभी शहर में नहीं है, शहर से फरार है, जिन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में अभी तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।